जीएमएस और सीएमसी पाउडर का यूज करके हम बनाएंगे एक बेस, और उस बेस से हम बनाएंगे दो खास तरह की आइसक्रीम। ये आइसक्रीम जो खास तौर पे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और बहुत कम बजट में ये घर में आराम से बन जाती है। तो बिना देर किए हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैं ली हूँ टोटल 250 ग्राम दूध, यानी कि 1/2 kg। थोड़ा सा दूध एक बाउल में निकाल लेंगे, इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून चीनी और कप में बोलेंगे तो 1/4 कप का आधा है, और इसे हम लो फ्लेम पे गर्म होने देंगे। इस बची हुई दूध में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर, साथ में 1 टेबल स्पून डालेंगे जीएमएस पाउडर और 1/4 टीस्पून डालेंगे सीएमसी पाउडर। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे जो है आइसक्रीम जो है बहुत थिक बनता है और इसमें आइस क्रिस्टल भी नहीं आती है, और आइसक्रीम की क्वांटिटी जो है जीएमएस और सीएमसी पाउडर से बढ़ जाती है। तो यहाँ पे दूध जो है गर्म हो चुका है और इसे हम यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इस मिक्सचर को इसमें डाल देंगे। लो फ्लेम पे ही कंटिन्यू हम इसे पकाएंगे। आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट में ही दूध जो है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दूध जो है धीरे धीरे गाढ़ा हो चुका है, तो और थोड़ी देर पकाएंगे यानी कि 1 मिनट जितना। तो यहाँ दूध गाढ़ा हो चुका है, गैस को करेंगे बंद और इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। इसे एक बाउल में डाल के इसे फ्रीजर में रख लेंगे। दूसरे यहाँ पैन में ले लेंगे 50 ग्राम जितना दूध, और साथ में इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून चीनी और 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें कोकोआ पाउडर, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पे कंटिन्यू इसे हम पकाएंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये गर्म भी हो चुका है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ मिल्क कंपाउंड वाली ये चॉकलेट। अगर आपके पास में ना हो तो आप डेयरी मिल्क का जो 10-10 रुपये वाली पैकेट आती है उसका 2 पैकेट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट होने तक पकाएंगे। तो चॉकलेट यहाँ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, उसके बाद और सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे और गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम गैस को कर देते हैं बंद और इसे ठंडा होने देते हैं। और यहाँ पे ये भी जो है 1 घंटे में ही फ्रीजर में अच्छे से जम चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा जो है टाइट नहीं हुआ है, आइस नहीं आया है, हल्का हल्का जमा हुआ है। इतना ही हमें इसे जमाना है। उसके बाद एक ब्लेंडर लेंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। पहले 1 से 2 मिनट के लिए इसकी स्पीड को कम रखेंगे, उसके बाद स्पीड को बढ़ा देंगे। इससे पहले भी बहुत सारी आइसक्रीम की रेसिपी जो है मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें। तो यहाँ क्रीम जो है अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। उसके बाद डालेंगे 1/2 कप व्हीप क्रीम और उसके बाद हमें फिर से इसे थोड़ी देर के लिए ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा बाउल जो है पूरा भर चुका है। इसका आधा जो है हम किसी दूसरे बाउल में निकाल देंगे, उसके बाद में हम इसको फिर से ब्लेंडर से चलाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि नीचे में आइसक्रीम का बेस है और ऊपर में क्रीम है, तो दोनों को पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद में आधा आधा इस तरह कर लेंगे। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे जितने हमने क्रीम लिया था उसी में हम ये ओरियो वाली बिस्किट डाल रहे हैं। ये जो ओरिजिनल फ्लेवर की रहती है उसी का मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो इसे हम इस तरह हाथ से ही तोड़ के डाल देंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी डाल के पीस सकते हैं, पर इस तरह डालने से जब हम आइसक्रीम खाएंगे तो इसके छोटे छोटे बाइट बिस्किट जो है एक एक बाइट में आएंगे, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में ब्लेंडर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे आप चाहे तो किसी भी डब्बे में जमा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्लास्टिक का डब्बा यूज कर रही हूँ, तो इसी में अब हम यहाँ पे सारे बैटर को डालेंगे और उसके बाद में फिर से इसके ऊपर में थोड़ा सा ओरियो बिस्किट को जो है तोड़ के डाल देंगे। इससे जो है बिल्कुल मार्केट में जिस तरह आइसक्रीम मिलती है सेम उसी का लुक आएगा। अब इसे हम ढक के फ्रीजर में रख देंगे और इसके बाद हम अपना दूसरा आइसक्रीम जो है उसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे चॉकलेट का ये गनाश जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे इसमें डाल देंगे। अगर गनाश जो है थोड़ी सी भी गर्म होगी और उसे हम क्रीम में डाल देंगे तो क्रीम जो है हमारा लिक्विड जैसा हो जाएगा। और इसमें साथ में डाल देंगे 1 टीस्पून चॉकलेट एसेंस। इसकी जगह आप चाहे तो वनीला एसेंस का भी यूज कर सकते हैं और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आइसक्रीम का कलर कितना अच्छा आया, ना ही ये बहुत ज़्यादा डार्क है और ना ही कम है, बिल्कुल परफेक्ट आया है। और इसमें अब हम थोड़े से डाल देंगे चोको चिप्स। ये टोटली ऑप्शनल है, पर अगर है तो इसे डाल दें और उसके बाद में मिक्स कर लेंगे। इसे भी हम एक प्लास्टिक के डब्बे में रख देंगे। तो ये वाला आइसक्रीम एक बार खास बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं, उन्हें बहुत पसंद आएगा।
तो यहाँ पे सबको अच्छे से ट्रांसफ़र करने के बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा चोको चिप्स डाल देंगे और इसे भी ढक के रख देंगे फ्रीजर में। तो यहाँ पे मैं अब दूसरे दिन जो है आपको आइसक्रीम दिखा रही हूँ। टोटल इसे 10 से 12 घंटा मैं फ्रीजर में रखी थी और ये अब अच्छे से सेट हो चुका है। तो पहले हम चॉकलेट वाली आइसक्रीम को डीमोल्ड करेंगे यानी कि सर्व करेंगे, तो उसे हम फ्रीज में रख देते हैं। जब भी फ्रीजर से निकाले तो पहले उसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखें, उसके बाद में ही उसको सर्व करें। नहीं तो आप देख सकते हैं ये किस तरह निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आप 10 मिनट फ्रीज में रखने के बाद में यूज करेंगे तो बहुत आसानी से वो निकल जाता है। तो यहाँ पर हमारा चॉकलेट आइसक्रीम जो है तैयार हो चुका है, तो इसे हम साइड में रखते हैं और अब हम ओरियो वाली आइसक्रीम जो है वो आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो आपको ये दोनों आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और नेक्स्ट आपको कौन सी रेसिपी समर की चाहिए ये भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।